और फिर उसे देखकर मैं इतनी शॉक हुई कि मेरे बदन को काटो तो खून नहीं। हेलो हेलो ये क्या हो रहा है? मौत का मसीहा सामरी कट 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 बड़ी शॉट नहीं कट द शॉट हटो तुम्हारी हील मेरे पैर में पैर जाओ अपना शट अप सर शट अप सॉरी सर दो कौड़ी की एक्ट्रेस कौशिक जी जी सर व्हाट द हेल इज दिस अगर तुम अपने बजट की कंजूसी में ऐसी दो कौड़ी की सस्ती एक्ट्रेसेस लाओगे तो मैं द ग्रेट सामरी तुम्हारा शो छोड़ देगा। सर शादाब सर आप ही की वजह से 11 सालों से रातों का राजा सामरी टीवी का नंबर वन हॉरर शो है सर हिट शो है और आप छोड़ दोगे तो फिर चाटना बंद करो कौशिक चेक का है मेरा जी 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 सर जी वो थोड़ा था ना तो कैश क्रंच है ना तो बैकअप सब लोग सुन लो आज के लिए शूटिंग का बैकअप मिस्टर कौशिक और एक बात याद रखिए अगर कल सुबह तक मेरे पैसे मेरे घर पे नहीं पहुंचे तो अभी तो सिर्फ शूटिंग का बैकअप करवाया है कल पूरे शो का बैकअप करवा दूंगा और ये बात सेट पे सब लोग सुन ले सबके सब भूखे मर जाएंगे सबके सब घर बैठ जाएंगे क्योंकि सामरी द ग्रेट सामरी की वजह से सबकी सैलरी आती है ये शो चलता है डू यू अंडरस्टैंड शादा भाई दो जरूरी शॉट बचे हैं प्लीज उन्हें भी दो शॉट रह गए थे साले मैडी पहले जा और जाके शॉट लेना सीख उसके बाद द ग्रेट सामरी को यह बताना कि कौन सा शॉट लेना है और कौन सा शॉट नहीं लेना है और ज्यादा बकवास की तो इस सेट से सबसे पहले मैं तेरा पैकअप करवा दूंगा साले शादा भाई वो आपने लाइन गलत बोल दी थी मौत की मसीहा के बदले आपको मौत का सौदागर बोलना था अब तू राइटर तू सामरी को सिखाएगा कि सामरी को कौन सी लाइन बोलनी चाहिए और कौन सी लाइन नहीं बोलनी चाहिए 11 सालों से सामरी के किरदार को जी रहा हूं दिन में सिर्फ 10 घंटे में शादाब खान होता हूं लेकिन बाकी के 14 घंटे मैं द ग्रेट सामरी हूं कौन हूं द ग्रेट सामरी हूं इसीलिए मेरे सामने दोबारा मुंह खोला तो खून चूस लूंगा तेरा नाउ गेट आउट सब याद रखें एक ही एक्टर है द ग्रेट सामरी भूलना मत संजो सर जी तुम्हें 100 बार कहा है कि मेरे आसपास रहा करो कहां मर जाते हो नारियल पानी टू हेल विद नारियल पानी हां हां तुम्हारे पास ही आ रहा हूं वेट अब चलो जी जी आइए कौशिक जी आप इस शो के प्रोड्यूसर हैं आप इस बदतमीज को निकाल क्यों नहीं देते इसकी जगह कोई नया एक्टर क्यों नहीं ले आते मैं इससे भी अच्छी स्क्रिप्ट लिखूंगा अरे चैनल का चहीता है शादाब खान समझे तुम हम सब इस शो से हट जाएंगे लेकिन ये इस शो से नहीं हटेगा बिल्कुल नहीं हटेगा और वैसे भी ठीक तो है हम सबके घर इसी की वजह से चल रहे हैं और जैसा भी है हमें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा अपने आपको देखी क्या 2000 चलेगी क्या अबे साले चल हट हट यहाँ से तेरे जैसे बहुत मिलेंगे
एक नंबर का कमीना इंसान है वो शादाब खान। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, जैसे पूरा शो उसी ने खरीद लिया हो। ऐसे लोगों को सच बताऊं, मैं घास भी नहीं डालती हूँ। पता है सीरियल में तो है ही दरिंदा, लेकिन उसने असलीपन में दरिंदा दिखा दिया, जैसे कि असली का दरिंदा हो। मैं तो हेलो बंद करो, मेरे को डर लगता है। You're so funny, Mrs. Billimorian. ऐसे शो से डर रही हैं आप? ये हॉरर नहीं, कॉमेडी शो है, कॉमेडी। अरे नहीं यार केडी, बहुत जबरदस्त शो है ये। रातों का राजा सामरी। बच्चों में बहुत हिट है, पिछले 11 साल से चल रहा है भाई। बच्चों में सुपर हिट है तो तू क्यों देख रहा है? वो देख, तेरा हीरो देख, शक्ल देख उसकी। ओह यार। मैं देखती हूँ। हाँ देख। Yes? केडी पाठक हैं? हाँ, आइए। जी सर, जी नमस्कार। जी कहिए। सर जी, मैं शादाब का सेक्रेटरी दिया संधू। कौन शादाब? सर वही शादाब जो पिछले 11 साल से सामरी का रोल कर रहे हैं। अच्छा, ये शादाब खान, वो देखिए वही। हाँ सर, यही। क्या हुआ उन्हें? सर इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केडी सर, आप ही इनको छुड़वा सकते हैं, प्लीज सर। क्यों, क्या किया उन्होंने? खून चूस लिया किसी का फिर से? नहीं सर, अरे अपनी को-स्टार वैभवी के खून के इल्जाम में। सर जी, इन्हें आप छुड़वा लीजिए, वरना ये शो बंद हो जाएगा और हम सब बेकार हो जाएंगे। प्लीज सर। क्या हुआ? दांतों में दर्द है? जी जी सर। सुना जिलमिल, तेरा सामरी खून के इल्जाम में पकड़ा गया। क्या बात कर रहे, मतलब शो बंद हो जाएगा? मिलते हैं उससे। उस खूनी की इतनी मजाक, द ग्रेट सामरी। द ग्रेट सामरी का फेस बदलकर सामरी बनना चाहता है। 11 सालों से सामरी के इस किरदार को मैंने अपनी मेहनत और अपने खून से सींचा है, और कोई भी ऐरा गैरा सामरी बनने की कोशिश कर रहा है, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का केस ठोक दूंगा उस पे, खून चूस लूंगा उसका। मिस्टर शादाब खान। शादाब नहीं, सामरी, the one, the only, the original, सामरी। राइट। केडिसन, हमारी लाइन में अच्छा एक्टर वही है जो अपनी कैरेक्टर में बखूबी घुस जाता है, और शादाब सर पिछले 11 सालों से पूरी लगन और मेहनत के साथ सामरी के कैरेक्टर में घुसे हुए हैं। हाँ देखा मैंने, लेकिन बड़ा सरफिरासा है आपका ये एक्टर। इसलिए कभी कभी हम भी नहीं बता पाते कि शादाब कहाँ खत्म होता है, सामरी कहाँ से शुरू होता है। अगर अदालत में ये बात साबित हो गई तो आपका केस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ केडी सर। अगर शादाब सर को इस केस में सजा मिली तो मेरा तो शो ही बंद हो जाएगा, 80 लोगों की नौकरी छूट जाएगी सर, उनकी रोजगारी के खातिर सर प्लीज ये केस ले लीजिए, प्लीज सर। प्लीज केडी। क्या हुआ आपके दांतों को? सर जी दांत में दर्द है, कैविटी। आपके उस दर्द को तो मैं संभाल लूंगा, इस दर्द के लिए दवा ले लीजिए। सी यू। हाँ, यही आदमी था।
लेकिन एक दरिंदे के बेस में ये आया और इसने उस लड़की को यहाँ काटा और उसका खून चूसकर उसे मार डाला। सॉरी मंदा, मिस वैभवी की मौत खून चूसने से नहीं हुई, उसकी गर्दन टूटने से हुई। इस आदमी ने उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मार डाला। ये असल जिंदगी है, टीवी पर कोई हॉरर शो नहीं। खैर, तुम कैसे कह सकती हो यही वो आदमी है? क्योंकि उस लड़की ने इसका नाम लिया था। मिस मंदा, अगर मैं आपको देखकर हे भगवान कहूं तो क्या आप भगवान बन जाएंगी? खैर, क्या आपने उस अंधेरी गली में मिस्टर शादाब खान का चेहरा देखा? पूरी तरह से नहीं, क्योंकि वहां पर काफी अंधेरा था और मैं काफी डर गई थी, इसलिए मैं वहां से भाग गई। एनीवे, ये बताइए कि उस रात अंधेरी गली में जिसको देखा वो वैसा ही था? हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही। योर ऑनर, उस रात को उस अंधेरे में अगर मैं सामरी का कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाता तो इन्हें लगता कि मैं मिस्टर शादाब खान हूं। द पॉइंट योर ऑनर इज दैट इट इज मर्डर बाय इंपर्सोनेशन। किसी ने मिस्टर शादाब खान की कॉस्ट्यूम पहनकर सामरी बनकर ये खून किया है। मैं जानती थी आप यही कहेंगे मिस्टर डिफेंस लॉयर। योर ऑनर, भेस तो चुराया जा सकता है, लेकिन दांत, दांत कैसे चुराए जाते हैं? ये मैं फोरेंसिक्स के डॉक्टर रस्तोगी से जरूर जानना चाहूंगी। योर ऑनर, विक्टिम के गले पर दांतों के निशान को हमने मिस्टर शादाब खान के दांतों से मैच किया है। ये हूबहू उनका डेंटल प्रोफाइल है, यानी कि उन्हीं के दांत हैं। योर ऑनर, अब मिस्टर केडी पाठक कहेंगे कि किसी ने शादाब खान के दांतों को चुराकर अपने मुंह में लगाकर ये कत्ल किया। क्यों नहीं, होने को तो कुछ भी हो सकता है। योर ऑनर, मिस्टर शादाब खान, क्या आप डेंचर्स यानी कि नकली चौकटा लगाते हैं? आपको लगता है कि मेरे दांत नकली हैं? ये शादाब खान के असली दांत हैं। 11 सालों से लोगों का खून चूस चूस के मैं उनकी जान ले रहा हूं और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ये मेरे नकली दांत हैं? योर ऑनर, मिस्टर खान के कहने का मतलब है कि वो अपने टीवी शो सामरी में 11 साल से खून चूसने की एक्टिंग कर रहे हैं। 11 साल से इस किरदार को रात दिन निभाकर मिस्टर शादाब खान अपने आप को असल के सामरी समझने लगे हैं और इस किरदार को निभाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, खून तक कर सकते हैं। What nonsense, Miss Fuddis. कोई सिर्फ अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए खून करता फिरेगा? इसका जवाब मिस्टर खान खुद देंगे। मिस्टर खान, आप 6 महीने से ये टैबलेट्स ले रहे हैं अपने फैमिली डॉक्टर की एडवाइस पर। क्या है ये टैबलेट्स? विटामिन्स हैं। नेक्सिप्राइड विटामिन्स की दवाई नहीं, स्किज़ोफ्रेनिया की दवाई है मिस्टर खान। स्किज़ोफ्रेनिया, जहां एक इंसान को अक्सर धोखा हो जाता है कि वो कोई और है। डबल आइडेंटिटी क्राइसिस, दुगुनी पहचान का धोखा। और आपके केस में आपको वहम हुआ है कि आप असल में सामरी हैं। अगर सामरी मैं नहीं हूं तो कौन है? मिस्टर खान, प्रोसिक्यूशन जितना पूछ रही हैं, उतना ही जवाब दीजिए। मिस्टर खान, एक सिंपल सवाल, मिस वैभवी की कत्ल के वक्त आप कहां थे? अपने घर में था। आपकी बीवी मिसेस कृतिका खान इस बारे में क्या कहती हैं? जी जी, ये उस वक्त घर पे नहीं थे, ये शूटिंग पे थे। उस वक्त फोन आया था कि देर हो जाएगी। दूसरी बात पूछती हूँ आपसे मिस्टर खान, कत्ल के वक्त आप कहाँ थे? हाँ, मेरी बीवी बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं उस समय शूटिंग पे था। तो फिर आपके टीवी शो के डायरेक्टर मिस्टर माधवन नायर इस बात से सहमत होंगे? नो मैम, शूटिंग तो शादा भाई ने 2 घंटे पहले ही पैकअप करवा दी थी। वो तो सेट से 9 बजे निकल गए थे।
हाँ सॉरी, मैं भूल गया था ना, मैं घर पे था और ना ही शूटिंग पे। मिस्टर खान, मैं आपसे तीसरी बार पूछती हूँ, कत्ल के वक्त आप कहाँ थे? एंड आई होप इस बार आप सच कहेंगे। अपने घर की ओर जाते हुए ट्रैफिक में फंस गया था। पैकअप हुआ रात 9 बजे और आप 4 घंटा लेट 1 बजे घर पहुंचे, जबकि आपका घर सेट से सिर्फ आधा घंटा दूर है। कोई लंबा शॉर्टकट लिया था? रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। कहाँ? टर्नर रोड पे, एग्नेलो गैराज। 3 घंटे वहीं था मैं। तो आपके पास गैराज का बिल होगा? मैडम, हम सुपरस्टार्स जेब में यूं बिल लेके नहीं घूमते हैं। अगर आपको बिल चाहिए तो गैराज में जाके लीजिए। As you say, Your Honor, मैं चाहूंगी कि इंस्पेक्टर दवे टर्नर रोड पे अग्नेलो गैराज से मिस्टर शादाब खान की उस रात का बिल लेकर आए। दवे, प्लीज डू द नीडफुल। जी मिस्टर नायर, उस दिन तो आप सबका जल्दी पैकअप हो गया था, कत्ल के वक्त आप कहाँ थे? अगले दिन शूटिंग सुबह 6 बजे शुरू करनी थी, इसलिए मैं सेट पर ही सो गया था। अच्छा, शादाब भाई की वैनिटी वैन में। तेरी ये मजाल मैडी कि तू शादाब भाई की मेकअप वैन में सोया, जबकि तू अच्छी तरह जानता है कि सामरी की वैन में घुसने की इजाजत सामरी के अलावा किसी और को नहीं है। वो वैन तेरे बाप की नहीं है। और घूर क्या रहा बे? ऑर्डर, ये अदालत है। योर ऑनर, इस आदमी को ये सजा मिलनी थी। ये एक नंबर का घमंडी और बदतमीज इंसान है, अपने आप को भगवान समझता है लेकिन किसी शैतान से कम नहीं है। सेट पर हमेशा पागलों वाली हरकतें करता रहता है। सामरी के गेटअप में तरबूज का जूस पीता है और कहता है कि मैं खून पी रहा हूं। ऑर्डर, ऑर्डर। इसका दिमाग तो आउट। इसी ने सामरी होने के जोश में वैभवी को मारा है। थैंक यू मिस्टर माधवन, आपकी ये गवाही हमारे बहुत काम आएगी। काम डाउन मिस्टर नायर, गुस्से में क्या रखा है? पीजिए, टॉफी खाइए। आज मेरा जन्मदिन है और मैं बचपन से अपने जन्मदिन पे लोगों को टॉफी खिलाता आ रहा हूं। हैप्पी बर्थडे। टॉफी नहीं खाएंगे? बाद में। ओके, बैठिए। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह हैं सामरी शो के राइटर मिस्टर समर अरोरा। इजाजत है। मैं मैडी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। शादा भाई अपने आप को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेते थे। पैकअप के बाद भी घंटों वो सामरी के ड्रेस में रहते थे और अपने आप को रातों को राजा कहते हैं। और एक और बात साहब, उनका वैभवी मैडम के साथ अफेयर भी था और वैभवी मैडम उन्हें बहुत जल्दी गॉसिप मैगजीन में एक्सपोज करने वाली थी। मुझे यकीन है कि शादाब भाई ने ही अपनी इमेज बचाने के लिए वैभवी मैडम का कत्ल किया होगा। थैंक यू समर, इस केस में अब तक एक वजह मिसिंग थी, आपके बयान ने हमें वो दे दी है। मिस्टर समर अरोरा, कत्ल के वक्त आप कहाँ थे? मैं अपने घर चला गया था। एक्चुअली मेरे नए सीरियल की स्क्रिप्ट लिख रहा था तो सुबह शूटिंग थी, इसलिए मुझे स्क्रिप्ट देनी थी। मिस्टर शादाब खान का शो डेली सीरियल काफी बिजी है। ऑल द बेस्ट यू। लीजिए टॉफी खाइए, मेरे हैप्पी बर्थडे के हैप्पीनेस में। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं, गलती से निकल गया। ओप्स। मिस्टर समर, आप बैठ जाइए। थैंक यू। हाँ बैठिए, बैठिए। थैंक यू। योर ऑनर, मैं फिर से याद दिला दूं कि इस केस की सबसे मजबूत कड़ी मरने वाली वैभवी के गले पर शादाब खान की दांतों के निशान, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? योर ऑनर, दांतों के निशान बनाए भी जा सकते हैं और यह काम एक ही आदमी कर सकता है, मिस्टर शादाब खान के डेंटिस्ट डॉक्टर रत्नानी। जी
कत्ल के एक हफ्ते पहले शादाब मेरी क्लिनिक पर आया था रूट कैनल ट्रीटमेंट के लिए। राइट, और इस ट्रीटमेंट के तहत आप मरीज के दांतों की एक प्लास्टर की मोल्ड बनाते हैं। राइट जी, नया टूथ कैप बनाने के लिए एक नॉर्मल प्रोसीजर है, हमें पेशेंट की बत्तीसियों का एग्जैक्ट प्लास्टर मोल्ड बनाना पड़ता है। तो डॉक्टर रत्नानी, क्या यह मुमकिन नहीं कि आपने पहले वो प्लास्टिक का मोल्ड बनाया, उस मोल्ड पर एग्जैक्टली मिस्टर शादाब खान के दांतों के साइज का, उनकी प्रोफाइल का डेंचर्स बनाए, उन डेंचर्स को पहना और उस रात वैभवी का कत्ल किया? इट्स पॉसिबल। देखिए, मैं एक इज्जतदार डेंटिस्ट हूं, शादाब मेरा पेशेंट ही नहीं, मेरा बचपन का दोस्त भी है। भला उसे फंसा के मुझे क्या हासिल होगा? मे बी बदला। आप सीक्रेट आई डिटेक्टिव एजेंसी को 3 महीने से चेक दे रहे हैं, क्यों? मैं वो क्या क्या हुआ डॉक्टर रत्नानी, बोलती क्यों बंद हुई? क्या ये सही नहीं कि आपने अपनी पत्नी के पीछे 3 महीनों से डिटेक्टिव लगाया हुआ है? राइट? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। योर ऑनर, अगर ताल्लुक नहीं होता तो मैं सवाल ही नहीं पूछता। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड माया, यू मे प्रोसीड केडी। थैंक यू योर ऑनर। तो डॉक्टर रत्नानी, बात यह थी कि आपको अपनी पत्नी पर शक था कि उनका अफेयर हो रहा है, इसीलिए आपने उनके पीछे डिटेक्टिव लगाया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, एक मिनट। डॉक्टर रत्नानी, उसी डिटेक्टिव ने मिस्टर शादाब खान के सेट पर छिपकर मिस्टर खान की ये तस्वीरें ली, जासूसी पत्नी की तस्वीरें दोस्त की, कि क्या क्या है माजरा यहाँ? कहीं आपकी पत्नी का मिस्टर शादाब खान के साथ तो? केडी, तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ हो? मैं सच के साथ हूँ और झूठ के खिलाफ, और आप बीच में मत बोलिए मिस्टर खान। आप बोलिए डॉक्टर रत्नानी, क्या चक्कर है? देखिए, मैं मानता हूँ कि मैंने मेरी पत्नी की जासूसी करवाई, मेरा शादाब पर सिर्फ शक था, और आप तो वो डाउट भी नहीं रहा। शादाब का मेरे बीवी से कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर रत्नानी, पर्सनल सवालों के बाद अब कुछ प्रोफेशनल सवाल। आप एक माने हुए डेंटिस्ट हैं। इस तस्वीर में ये दांतों के निशान, क्या कोई अपने दांतों पर नकली दांत लगाकर ऐसे निशान बना सकता है? जी नहीं, एक इंसान के मुंह में दो दो भतीसियां कैसे फिट हो सकती हैं? और अगर वो ऐसा कर भी लेता है तो उस इंसान को ऐसी गहराई से काटने का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो फिर ये दांतों के निशान मिस्टर शादाब खान के ही होने चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है। आई एम सॉरी शादाब, पर मैं भी सच के साथ ही हूँ। थैंक यू डॉक्टर रत्नानी, आप जा सकते हैं। एक मिनट डॉक्टर, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट। ये लीजिए, मेरे हैप्पी बर्थडे की टॉफी। एक डेंटिस्ट को टॉफी? हाँ, मेरा हैप्पी बर्थडे है ना, मेरे दिल रखने के लिए खा लीजिए प्लीज। ऐसा है तो चुई है, दांतों में चिपकती भी है, लेकिन बहुत टेस्टी है। एनीथिंग एल्स? हाँ, नो, यू कैन सिट डाउन डॉक्टर रत्नानी। थैंक यू योर ऑनर। मैंने एग्नेलो गैराज आकर चेक किया है, उस रात ना ही मिस्टर शादाब खान वहां गए थे और ना ही उनकी गाड़ी वहां आई थी। मिस्टर खान ने फिर से हमसे झूठ बोला है। मिस्टर शादाब खान, आखिरी बार आपसे पूछूंगी, कत्ल की रात आप कहां थे? मुझे कुछ भी याद नहीं है। उस रात मैं रत्नानी की बीवी के साथ था क्योंकि मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा है। तो ये बात आपने अदालत में क्यों नहीं? कैसे कह देता सबके सामने अदालत में? केडी, कैसी बातें कर रहे हो? अपनी पत्नी के सामने, उस रत्नानी के सामने, जज, मीडिया, केडी मीडिया के सामने कैसे कह देता कि सामरी का किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा है? मेरी 11 सालों की बनी बनाई इज्जत की धज्जियां उड़ जाती केडी। मिस्टर खान, उनका इल्जाम है आप पर,
समझते हैं आप खून का इल्जाम? तो टीवी शो नहीं है, जिंदगी है। और ये सामरी को बचाने के चक्कर में आप काम से जाएंगे, और ओके गवाही से ज्यादा आपकी अपनी गवाही ने आपके केस को खराब किया है। निकलिए इस मनगढ़ंत दुनिया से बाहर, भूल जाइए अपना इमेज, अपना कैरेक्टर, नहीं तो ना आप रहेंगे ना सामरी। नहीं, कुछ नहीं हो सकता सामरी को केडी, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सामरी अमर है। 11 सालों से हर रात सामरी मौत की नींद से जागता है, इसलिए यह जेल की सलाखें सामरी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सामरी को कुछ नहीं हो सकता, सामरी इज इनविंसिबल। मिस्टर खान, मिस्टर खान, क्या हुआ? व्हाट्स द मैटर? केडी, मेरे कंधे और मेरे हार्ट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। प्लीज केडी सर, शादाब सर को बचा लीजिए, वरना मेरा शो बंद हो जाएगा। सर लाखों का नया सेट बनाया है, वो तो खड़ा खड़ा छट जाएगा। सर मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। मिसेस बिलवरिया, प्लीज फाइंड आउट कत्ल की रात को वो शो के डायरेक्टर, क्या नाम है, माधवन नायर, मैडी, हाँ वो, और शो के राइटर समर और डॉक्टर रत्नानी कहाँ थे? और आप दोनों कहाँ थे? मैं तो सेट से सीधा अपने एक दोस्त की पार्टी में गया था। अच्छा, और हाँ सर, मैं जो है लास्ट शो पिक्चर देखने गया था, अंग्रेजी फिल्म। जी सर। हाँ प्लीज, मेरे जन्मदिन की टॉफी खाइए। थैंक यू सर। नाइस, बहुत अच्छी सर। आप भी लीजिए। जी मुझे डायबिटीज है, मीठा बना है। हाँ कोई बात नहीं, भुट्टा, डॉक्टर कहता है कि भुट्टा डायबिटीज के लिए अच्छा होता है, लीजिए प्लीज। जी नो थैंक यू सर, मुझे कौन से एलर्जी है? डायबिटीज भी है एलर्जी। केडी तूने मुझे बताया ना कि आज तेरा बर्थडे है? एनीवे हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू जिलमिल, ले टॉफी का। ओह थैंक यू। सॉरी एक करके खाना। एक्सक्यूज मी। हाँ दवे, ऑब्वियसली दवे, मुझे खबर मिलेगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा, ओके? और तुम्हें भी कोई खबर मिले तो मुझे बताना। क्या हुआ केडी? तुम्हारा सामरी अस्पताल से फरार हो गया है। ओह माय गॉड, अपने हाथों से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली उसने। 19 मई 2011 कल अदालत में शादाब से मेरा पतला पूरा होगा। क्या लगा था उसे कि मैं नहीं जानता कि उसका और मेरे बीवी गीता का चक्कर है? कल जब अदालत में जज उसे सजा सुनाएगा फांसी की, सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। मुझे नस मारिया, मेरे टेबल के नीचे वाले ड्रॉ का लॉक कैसे टूटा? हाँ किसने तोड़ा ये लॉक? और अंदर से मैंने जो शादाब के डेंजर मोल्ड बनाए थे वो भी गायब है। खैर रहने दो, वैसे भी अब शादाब का रूट कैनाल जेल का डेंटिस्ट ही करेगा। बाय मारिया। एक मिनट, अगर मेरे ड्रॉअर से किसी ने शादाब का डेंचर मोल चुराया और उसे लेकर केडी वाज राइट, मैं केडी को फोन करके सब बताता हूं, लेकिन फिर तो शादाब शायद बच सकता है। क्या करूं? Yeah!
Your Honor, I think इस केस के लिए मुझे अपनी प्रोसिक्यूशन फीस माफ करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा सारा काम तो खुद मिस्टर शादाब खान ने किया है, अपनी हरकतों से अपने आप को कातिल साबित कर। कल शाम हॉस्पिटल कंपाउंड की दीवार फांद कर मिस्टर शादाब खान बड़ी चालाकी से पुलिस को चकमा देकर वहां से भागे। और कहां गए? सीधा डॉक्टर रत्नानी के क्लिनिक, जहां उन्होंने बड़ी बेरहमी से अपना दूसरा कत्ल किया। इस बार भी विक्टिम के गले पर शादाब खान के दांतों के निशान साफ हैं। ये तो बाकी गवाहों की खुशकिस्मती थी कि पुलिस ने शादाब खान को कत्ल के थोड़ी ही देर बाद गिरफ्तार कर लिया, वरना मिस्टर सामरी का कहर पूरी रात बरसता। योर ऑनर, मानता हूं कि मेरे मुवक्किल मिस्टर शादाब खान ने हिरासत से फरार होकर बहुत बड़ी गलती की, और इन्हें भी अपनी गलती का एहसास है। राइट मिस्टर खान? जी हाँ। और सच यह है कि ये भागकर अपने पनवेल वाले गेस्ट हाउस में गए, जहां से इन्हें पुलिस ने फिर से हिरासत में ली है। ये डॉक्टर रत्नानी की क्लिनिक गए ही नहीं थे। टूनी सामरी के बेस में कोई बहरूपिया है योर ऑनर, जिसे ये बात खबर थी कि मिस्टर खान हिरासत से भाग गए। मिस्टर खान, क्या अब भी आपको याद नहीं कि पहले कत्ल की रात आप कहां थे? मिस्टर खान, प्रोसिक्यूशन के सवाल का सही सही जवाब दीजिए। उस रात मैं रत्नानी की बीवी के साथ था। ऑर्डर ऑर्डर। अव्वल तो ये सच नहीं, लेकिन आपका ये कहना साबित करता है कि मिसेज रत्नानी के साथ आपका अफेयर था, यानी कि वैभवी का खून आपने भले ही जोश में किया हो, लेकिन डॉक्टर रत्नानी का खून आपने पूरे होश में किया अपने प्यार को पाने के लिए। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा। जज साहब, कोई मेरी नकल कर रहा है। झूठ बोल रहे हैं आप, किसी ने आपकी नकल नहीं की, और इस बार इस बात का चश्मदीद गवाह है। योर ऑनर, वो है डॉक्टर रत्नानी के कंप्यूटर का वेब कैमरा, जो इत्तेफाक से उस रात को ऑन था, और उसमें खून ही नहीं खूनी का चेहरा भी साफ रिकॉर्ड हुआ। प्लीज प्ले द रिकॉर्डिंग। रजमारिया, मेरे टेबल के नीचे वाले ड्रॉअर का लॉक कैसे टूटा? और अंदर जो मैंने शादाब का टेंशन मोल रखा था, वो भी गायब है। खैर, रहने दो। वैसे भी अब शादाब का रोड कनाल जेल का कोई डेंटिस्ट ही करेगा। अगर किसी ने मेरे ड्रॉअर से शादाब का टेंशन मोल चुराया है और उसे लेकर फुटेज में डॉक्टर रत्नानी ने साफ साफ कहा है कि किसी ने उनके क्लिनिक से मिस्टर खान के दांतों की मोल चोरी कर ली थी। जाहिर है कि जिसने भी वो नो केडी, इस बार ना किसी सबूत की जरूरत है और ना किसी गवाह की। योर ऑनर, कातिल आपके सामने खड़ा है। शादाब खान को दो खून करने के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फांसी। ही मस्ट हैंग टू डेथ। नहीं 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 जज साहब, ये मैं नहीं हूं। जज साहब, मैं मानता हूं जज साहब, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, और मैं कोर्ट के सामने आप सभी के सामने अपनी हर गलती की माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। केडी, मैंने किसी को नहीं मारा, ये झूठ बोल रही है। ये मैं नहीं हूं केडी, प्लीज सेव मी। केडी प्लीज सेव मी, ये मैं नहीं हूं। मैंने किसी को नहीं मारा जज साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। केडी प्लीज मुझे बचा लो। केडी तुम देख क्या रहे हो, मैंने किसी को नहीं मारा। केडी केडी प्लीज सेव मी, ये मैं नहीं हूं। मैंने किसी को नहीं मारा जज साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। क्या हुआ केडी?
अपनी पहली हार पर आज किसी को ट्रॉफी नहीं खिलाओगे। बाय द वे मैंने चेक किया था, उस दिन तुम्हारा बर्थडे नहीं था। अच्छा तो तुम सबको ट्रॉफी क्यों खिला रहे थे किड़ी? मिस्टर खान, आपके चेहरे पर ये चोट कैसे आई? जब मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे तो वार्ड बॉयज को चकमा देकर मैं हॉस्पिटल के कंपाउंड की दीवार से भागने की कोशिश कर रहा था और उसी कोशिश में मेरा हाथ फिसला और ये चोट लग गई, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। योर ऑनर, अगर ये मान लिया जाए कि मिस्टर खान हॉस्पिटल से फरार होने के बाद में डॉक्टर रत्नानी के क्लिनिक गए थे, तो इनके चेहरे पर जो खरोंच लगी है वो इस फुटेज में गायब कैसे हो गई? जरा सोच के बताइए मिस्टर खान, क्या ऐसा हुआ है कि आपके टीवी शो में आपका शॉट कभी किसी ड्यूप्लीकेट ने दिया है? हाँ, कई बार जब मैं इंडिया से बाहर जाया करता था तो शूटिंग कंटिन्यू रखने के लिए किसी डुप्लीकेट को हुबहू मेरी शक्ल का मास्क पहना के ये लोग शूटिंग किया करते थे। हाँ, कैसा मास्क मिस्टर खान? हुबहू मेरी शक्ल का लेटेक्स का मास्क बनाते थे। डुप्लीकेट योर ऑनर, जैसा कि मैं पहले से कह रहा हूँ, योर ऑनर मैं प्रोड्यूसर कौशिक को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। वो मास्क मेरे पास नहीं है, वो तो डायरेक्टर मेरी ने मुझसे ले लिया था ताकि उस रात शादाब सर के बाकी के शॉट ले सके। हाँ, वो मास्क मैंने लिया जरूर था, लेकिन फिर उसे स्टोर रूम में रख दिया था। उसके बाद उस मास्क का क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, समर वहां पे जरूर गया था, लेकिन मैंने उस मास्क को छुआ तक नहीं। हाँ, मैंने संधू साहब को पहुंचाते हुए जरूर देखा था। थैंक यू मिस्टर अरोड़ा। अरे हाँ, अच्छा हुआ कि आप उस दिन मेरी दी हुई टॉफी निगल गए। अगर चबाया होता तो आपके दोनों नकली चौकठे बाहर आ जाते। यही सोच रहे ना कि मुझे कैसे पता? आपके घर के नीचे वाले केमिस्ट ने मुझे बताया कि आप हर महीने उनके पास से फिक्सोडेंट खरीदते हैं। फिक्सोडेंट योर ऑनर एक डेंचर क्लीनिंग सॉल्यूशन है। ऐसे लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है जिनके दांत, जिनके डेंचर्स नकली होते हैं। जी हाँ जज साहब, मैं डेंचर्स पहनता हूँ। कॉलेज में एक टूथ इन्फेक्शन की वजह से मेरे आगे के दांत गिर गए थे। माफी चाहता हूँ योर ऑनर, आपके सवाल का जवाब मैं पहले नहीं दे पाया। अपने जन्मदिन का बहाना बनाकर मैं सबको टॉफी सिर्फ इसलिए खिला रहा था क्योंकि मुझे यकीन था इस केस की शुरुआत से कि जो भी कातिल है उसके डेंचर्स यानी कि उसके दांत नकली है। वो अपने नहीं बल्कि मिस्टर खान के डेंचर्स पहन के ये कत्ल कर रहा है, इसीलिए मैंने उनकी टॉफी दी कि इसी बहाने सच सामने आ जाए। और सच ये है योर ऑनर कि मिस्टर समर ने मिस्टर खान के डेंचर्स पहन के, इनके चेहरे पर इनका मास्क पहन के, इनके कपड़े पहन के ये कत्ल किए हैं या नहीं मिस्टर समर अरोरा? मुझे अभी भी यकीन है कि फुटेज में शादाब खान ही है। Absolutely not, Miss Prosecutor. Your Honor, इस फ्रेम में जो शख्स है, उसके दाहिने हाथ पर गौर कीजिए। पूजा का लाल धागा, जिसे हम मौली कहते हैं, जो ना मिस्टर शादाब खान के हाथों में है, नहीं किसी और गवाह के हाथ में। वो मौली इस हाथ पर है Your Honor. कत्ल की रात मैं अपने घर पर अपने नए शो की स्क्रिप्ट लिख रहा था। मिस्टर समर अरोरा, आप वो स्क्रिप्ट लिख चुके थे क्योंकि आपको ये बात खबर थी कि आप उस रात वैभवी का खून करने में बिजी रहेंगे। और एक और बात, फोरेंसिक्स रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर रत्नानी की क्लिनिक में जगह जगह आपकी उंगलियों के निशान है, खास करके उस ड्रॉअर पर जिस ड्रॉअर से मिस्टर खान के दांतों की मोल चोरी हुई थी। टेक अ लुक योर ऑनर। जी हाँ, ये दोनों खून मेरे किए हैं। मैंने
जिस सामरी को ये 11 सालों से जी रहा है उसे जन्म किसने दिया? मैंने, मेरी सोच ने, मेरी कलम ने। जज साहब, 11 सालों से इस आदमी के नीचे घिस घिस के काम किया है मैंने, और ये मुझे जलील करता गया, मेरी सारी मेहनत का क्रेडिट लेता गया, और मैं चुपचाप सहता रहा जज साहब, चुपचाप सहता रहा। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये मेरी जगह शो में दूसरा राइटर लेकर आ रहा है, तो बस फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने इससे बदला लेने का सोचा। शादाब, अगर मैंने सामरी को बनाया है तो मैं उसे बर्बाद भी कर सकता हूं, इसीलिए मैंने ये सारा खेल रचा। असली सामरी मैं हूं शादाब, मैं असली सामरी मैं हूं, तू नहीं, मैं। लेकिन केडी, ये पेपर तो ब्लैंक है। अब जी योर ऑनर, क्योंकि फोरेंसिक्स की फिंगरप्रिंट रिपोर्ट अभी तक आई नहीं। मिस्टर अरोरा के इकबाल जुर्म के बाद मुझे उसकी आवश्यकता भी नहीं लगती। अरेस्ट मैं केस योर ऑनर। लेखक समर अरोरा के इकबाल जुर्म के बाद यह अदालत समर को मिस वैभवी और डॉक्टर रत्नानी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने का आदेश देती है, और साथ ही शादाब खान को बाइज्जत बरी करती है। थैंक यू सो मच। भाई एक मिनट, काटोगे तो नहीं ना? कम ऑन केडी, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच एंड यू आर द बेस्ट केडी। एम आई? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.